ये है बहुत ही इजी और टेस्टी स्नैक्स और आप इसे बिना किसी झंझट के सिर्फ 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी, चटपटा और बहुत ही पौष्टिक भी है। सुबह के भाग दौड़ में जब आपके पास टाइम नहीं रहता है तो आप इसे झटपट बना के खा सकते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें क्योंकि इतना टेस्टी और डिलीशियस नाश्ता आप बहुत कम टाइम में ही बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें, और आप हमें इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। नाश्ता बनाने के लिए हमने 2 कच्चा आलू लिया था, इसे हमने छील कर पानी में डाल दिया है जिससे आलू काले न पड़े। सबसे पहले इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। कद्दूकस करने के लिए हम पतले दाने का ग्रेटर लेंगे जिससे इसके पतले पतले लच्छे निकले। हमने दोनों आलू को ग्रेट कर लिया है, लेकिन ग्रेट करने के बाद आलू को ऐसे रखें ना, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। इसे तुरंत ही बनाएं, और अगर इसे रखते हैं तो इसे पानी में डालकर रखें, नहीं तो आलू काले पड़ जाएंगे। अब इसी में हम आधा कप सूजी डालेंगे। इसके लिए आप मोटी वाली या बारीक वाली कोई भी सूजी ले सकते हैं, और आधा कप बेसन डालेंगे, ये 100 ग्राम के करीब है। सूजी और बेसन की मात्रा बराबर रखें तो सही रहेगा। अब इसी में हम 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लें। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तुरंत ही सूजी बेसन डालकर मिक्स कर लेने से आलू काले नहीं पड़ते हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका बैटर बनाएंगे। पानी डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। अगर थोड़ा पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें और भी पानी डालना है। 1 कप पानी डालकर इसे हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम मसाले और सब्जियाँ ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे। ये बेसन की रेसिपी है तो इसमें हींग डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप हींग पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला या फिर आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, तो भी ये बहुत चटपटा बनेगा। अब हम एक बार इसे फिर से मिक्स कर लेंगे जिससे इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब ये हमने लिया है कुछ वेजिटेबल्स। हमने 1 शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक काट लिया है, और 1 टमाटर को बारीक काट लिया है, और 1 बड़े साइज के प्याज को बारीक काट लिया है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट लिया है। अब सारे सब्जियों को इसमें डाल देते हैं। शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, और ये हरा धनिया भी इसी में डाल देते हैं। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आलू इसमें पहले डाल दें जैसे हमने डाला है, उसके बाद ही सारी सब्जियां डालें, नहीं तो आलू काले पड़ने लगते हैं। अब इसमें हम थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसका हमें थोड़ा पतला घोल बनाना है। इसमें हमने 1 कप पानी और डाल दिया है, और इसमें भी हम पानी थोड़ा और डालेंगे और इसे थोड़ा और पतला करेंगे, यानी हमें 2.5 कप के करीब पानी यूज करना है। थोड़ा पानी हम और डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी हो गया है, और ये देखिए हमने बिल्कुल पतला पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। इसमें हमने 3 कप के करीब पानी यूज किया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट बनाएं। अब गैस पे 1 पैन रखेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज करते हैं इसमें डाल दें। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच पीला सरसों। आप इसमें काला पीला जो भी सरसों या फिर राई चाहे डाल दें। और इसी में हम 1/4 चम्मच मंगरेल यानी कलौजी डालेंगे। इसे ज़रूर डालें क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अगर आप अजवाइन का टेस्ट पसंद करते हैं तो आधा छोटा चम्मच अजवाइन भी डाल सकते हैं। अब हम जीरा को चटकने देते हैं। जीरा चटक गया है। अब इसमें हम डालेंगे 2-3 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। अब मिर्च भी हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप इसमें लहसुन अदरक ग्रेट करके या फिर काट कर भी डाल सकते हैं, और इसे भी हम आधा मिनट भून लेते हैं जिससे लहसुन का कच्चापन निकल जाए। और अब इसमें जाएगा ये पेस्ट जो हमने बना के रखा है, और थोड़ा सा इसमें पानी डालकर इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच, जिससे पेस्ट निकल आए। बस अब इसे हम चलाते हुए कुक करेंगे। गैस को हम लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। इसे हाई फ्लेम पे न पकाएं, नहीं तो ये नीचे जलने लगता है।
इसे पकाने में 6-7 मिनट लग जाता है और ये बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है, तो इसे बराबर चलाते रहें। इसे हमने 2 मिनट कुक कर लिया है और ये देखिए अब ये धीरे धीरे ठीक होने लगा है। इसे बराबर चलाते रहें जिससे ये नीचे लगने ना पाए और सूजी और बेसन अच्छे से पक भी जाए। इसे हमने 5 मिनट के करीब कुक कर लिया है और ये देखिए अब ये काफ़ी ठीक हो गया है। बस इसे हमें इसी तरह से चलाते हुए पकाना है और इसे जमने वाली कंसिस्टेंसी में लाना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर एक छोटा चम्मच ऑयल इसमें और डाल सकते हैं या फिर ऐसे ही कुक कर सकते हैं। इसे हमने 5 से 6 मिनट तक कुक कर लिया है और ये देखिए अब ये काफ़ी ठीक हो गया है। इसे बराबर चलाते रहें जिससे जलने ना पाए। इसे हमने 7 मिनट के करीब कुक कर लिया है, ये देखिए अब ये हो गया है। बस इसे आधा 1 मिनट और कुक कर लेते हैं जिससे जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। और ये देखिए अब ये पैन छोड़ दिया है और ये अच्छे से पक भी गया है, तो अब ये हो गया है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। इसे सेट करने के लिए हमने एक केक टिन लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें हम गरम गरम ही ये डो डाल देते हैं। इसे चेक करने के लिए आप इसमें से थोड़ा सा डो लें और इसे इस तरह से गोला बना कर देख लें। अगर ये अच्छे से बन जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम स्प्रेड कर लेंगे और इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। आप इसे इस तरह से चिकना कर लें या फिर किसी प्लेन कटोरी से इसे दबा दें तो भी ये चिकना हो जाएगा। अब ये चिकना हो गया है, अब इसे हम इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर इसे बाहर रखेंगे तो भी आधे घंटे में ये सेट हो जाएगा। तो इसे हम 10-15 मिनट फ्रीजर में रख देते हैं। इसे हमने फ्रीजर में रख दिया था तो 15 मिनट में ही ये अच्छे से सेट हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और इसे इस तरह से पलट देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा टैप करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। और ये देखिए अभी अच्छे से सेट हो गया है। हमने नाइफ में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है जिससे ये चिपके ना, तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। आप इसे छोटे बड़े जैसे पीस में चाहे काट लें। आप इसे इसी तरह से बनाकर पीस में काट लें, उसके बाद इसे फ्रिज में रख दें तो उसे 2-3 दिन तक फ्राई करके खा सकते हैं। अगर आपको सुबह खाना है तो शाम को ही इसे बना लें और सुबह बस 2 मिनट में फ्राई करके खा सकते हैं। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए गैस पे एक पैन रखेंगे और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अब तेल को चारों तरफ फैला लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो गया है तो बस अब इसमें हम एक पीस डाल देते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने में बहुत कम टाइम लगता है और बस इसे इसी तरह से 2 मिनट छोड़ देते हैं जिससे अच्छे से हो जाए। 2 मिनट हो गया है और ये हो भी गया है। अब इसे पलट देते हैं और इसे दूसरी तरफ भी अच्छा ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब इसे हम इसी तरह 2 मिनट और छोड़ देते हैं जिससे दूसरी तरफ भी हो जाए। ये नाश्ता अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब ये दोनों तरफ हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अभी इसमें ऑयल बचा हुआ है तो इसी में हम और भी स्नैक्स डाल के फ्राई कर लेते हैं। अब ये एक तरफ हो गया है तो इसे पलट देते हैं और इसे दोनों तरफ अच्छा ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये गर्मा गर्म नाश्ता सर्व के लिए रेडी है। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटा बना है। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसे टमाटर सॉस, चिली सॉस, हरी धनिया की चटनी किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे कैसे बनाया और ये आपको खाने में कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।